सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायती राज पर सीएम मनोहर लाल ने कई बातें सामने रखी। सीएम ने कहा कि पंचायती राज और ई टेंडरिंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायती राज में हर 3 महीने पर एक ज्वाइंट मीटिंग होगी, जिससे लेखा जोखा भी सामने आता रहेगा। काम का हर महीने फीडबैक लिया जाएगा। खेत खलिहान योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने पंचायती पर विशेष ध्यान दिया है और ज्यादातर सरपंच ई टेंडरिंग से सहमत हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपना जो पंचायती राज सिस्टम है, उस पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ जो भ्रांतियां हैं या कई तरह के विषय चले पिछले दिनों में, तो केवल उसको स्पष्ट करने के लिए और आपके सामने विषय में रख रहा हूं। आपको कोई बात उसमें लगती है तो जरूर बाद में पूछ लें। पहली बात तो है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 टीयर सिस्टम है और 3 टीयर सिस्टम में जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। कहीं एक मैसेज ये जाता है कि पंचायती राज में केवल पंचायतें ही आती हैं और पंचायतों में भी केवल सरपंच राज जो होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये 3 टीयर है। दूसरा, ये सरपंच राज के बजाय पंचायती राज, इस पर चलने का एक सिस्टम, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक ताकतें नीचे ग्राउंड लेवल पर दें, उसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जिला परिषद के सीओज के माध्यम से, सीओज की नियुक्ति भी हमें आकर की थी, पहले कोई सीओज की नियुक्ति नहीं होती थी, अब सीओज को भी लगाया गया है और जिला परिषदों को उनको अलग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई जा रही है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो, सीओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। खेत खलिहान योजना के अंतर्गत जो 5 क्रम के रास्ते हैं उनको भी अब जिला परिषद ही पक्का करेंगी। पहले अभी 5 क्रम के जो रास्ते थे, 5 क्रम के तो हैं मार्केटिंग बोर्ड के, 4 क्रम या इससे नीचे के ये जिला परिषद करेंगी और मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस रिपेयर ये जिला परिषद करेंगी। हर ब्लॉक में 5 बड़े गांव जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है या 10,000 के आबादी के सब गांव, अगर वो 5 से ज्यादा भी हैं ब्लॉक में, तो वो भी उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था है ये जिला परिषद के द्वारा कराई जाएगी। अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीओज हैं और चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6,220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं, तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पानी में हो रही धांधली का खुलासा किया है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग समेत एमसीजी और बिजली विभाग की टीम ने गुरुग्राम के पालम विहार के निहाल कॉलोनी में चल रहे अवैध प्लांट पर चलाई जा रही छापेमारी की, जहां से टीम ने 20 लीटर की बिस्लरी नकली पैकेजिंग वाली बोतल को बरामद किया है, जिन्हें मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने बोतल जब्त की है और साथ ही गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में भी सीएम फ्लाइंग और एमसीजी की ओर से कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं टीम ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि यहाँ पे न्यू पालम विहार ब्लॉक में
ऐसे ऐसे इलीगल जो आप देख रहे हो बिस्लरी की जो बड़ी बड़ी बोतलें हैं, छोटी बोतलें हैं, उन पे ये लोगो लगा के, फेक लोगो लगा के हमें पानी बेचा जा रहा था। जिस तरह की कार्रवाई कार्रवाई अब हमने हमें मौके पे एक बोरवेल मिला, वो हमने सील कर दिया गया मौके पे, और अब आगामी कार्रवाई जो होगी वो अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम में लगातार हो रहे कुत्तों को लेकर विवाद से लोग परेशान हैं। मारुति विहार में कुत्तों को लेकर हुई मारपीट का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरा मामला पालम विहार क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को कुत्ते के विवाद में जमकर पीटा गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बीच बचाव के लिए आरडब्ल्यूए से लगाए गए सिक्योरिटी गार्ड भी गए, लेकिन आरोपी अपना जोर दिखाते हुए पीड़ित को बुरी तरह से घसीटता रहा। इसकी सूचना जब पालम विहार पुलिस को लगी तो पुलिस ने मामले में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज कर लिया है। घटना के बारे में तो मैं इसका कोई विटनेस नहीं रहा, लेकिन मोहल्ले में कुत्ते वाले बहुत घुमाते रहते हैं, कुत्ते को छोड़ देते हैं और वो जहाँ जहाँ जाना जिसके घर के आगे खंभे के नीचे कार के आसपास वो पोटी करते रहते हैं। और कई बार लोगों को मना किया लेकिन मानने वाले नहीं है। तीन तीन दो दो चार चार कुत्ते सारे घुमाते हैं। कई बार आरडब्ल्यू में लोगों फोटो भी डालते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा और लोग उसी प्रकार सीधे सीधे अपने कुत्तों को घुमाते हैं और पोटी कराते हैं, जबकि खाली प्लाट इतने पड़े हुए हैं यहाँ पर, उसमें नहीं ले जाते। सर बेसिकली हमारे जो एच ब्लॉक पालम विहार के अंदर कुछ लोग अपने डॉग्स को हमारे घरों के सामने टहला रहे थे, तो उसी लिए अगर मना किया एक व्यक्ति से, एक जो हमारे ही एच ब्लॉक के दूसरे कहीं रेजिडेंट हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पहले तो धमकी वगैरह गाली गलौज को शुरू किया, उसके बाद फिर वो मारपीट पे उतर गए शुक्रवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। पर्तला दौरे पर रहे नैलो विधायक चौधरी अजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकास के दावे केवल दावे तक ही सीमित हैं, विकास तो केवल सुभाष बराला के घर में है। सरकार ने विकास बराला का पूरा विकास किया है और उनकी मदद की है, आज सरकार का दिवाला पिटा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे लगभग 150 गांव से पैदल यात्रा करते हुए पर्थला में पहुंचे हैं और देखा कि सभी गांव में सड़कें टूटी फूटी हैं। इसके अलावा सरकार आज तक पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है। आप गांव में किसी में भी जब जाते हो, विकास तो चलते ही नजर आ जाता है। सबसे पहले सड़कें देखो, सड़क है ही नहीं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। दूसरा, गांव में जो स्कूल है उनमें टीचर नहीं है। कहीं किसी गांव में अगर पीएससी है वहां डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कोई दवाई नहीं है। पीने के पानी का कहीं पे भी स्वच्छ जल का बंदोबस्त सरकार की तरफ से नहीं है। गया जब बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की लाश उतारने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। 42 वर्षीय मृतक श्याम सुंदर पिछले कई सालों से बिजली ठेकेदार के अंतर्गत काम करता था। बताया जा रहा है कि ठेकेदार श्याम सुंदर को खंभे पर चढ़ने से पहले फोन करके बिजली काटने की परमिशन ली थी, लेकिन जब वह खंभे पर चढ़ा तो काम करने लगा और अचानक बिजली आने के कारण वह चिपक गया और मौके
पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। भी कार्रवाई होगी, वो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी वर्षीय थे, क्या काम करते थे? देखिए अभी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, अभी पहले पोस्टमार्टम कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। किसकी गलती मानते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते किसकी गलती क्या गलती, ये बाद में पता लगेगा कि क्या गलती। काम करने के लिए आए थे यहाँ पे, तो जो हमारे ठेकेदार था उसने परमिशन ली बिजली वालों से कि भाई 5-10 मिनट के लिए लाइट कट कर दो और हम यहाँ से जम्पर लगा देते हैं। तो जैसे ही वो लाइट ऊपर सही करने के लिए चढ़ा तो पता नहीं कैसे पीछे से अचानक एकदम हाई लाइन आ गई, उसके बाद में ये हादसा हो गया जी। तो अब हम तो यही चाहते थे प्रशासन से और जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है कि भाई उसके परिवार को, उसकी आर्थिक स्थिति है जो जैसे भी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। झज्जर के गांव जटवाड़ा और विठला के बीच सड़क हादसे में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मचारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि 56 साल की बुजुर्ग गांव की रहने वाली थी और गांव के नजदीक ही दूध की डेयरी बना रखी थी। अचानक एक अज्ञात वाहन तेज रफ्तार से आया और जैसे ही कलावती बस से उतरी तभी अज्ञात वाहन ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और थी ओम प्रकाश की पत्नी गांव बीठला से, जो अपने घर से और खेत में पशुओं की डेयरी बना रखी है, वहां जा रही थी। करीब 8:30 बजे का टाइम था सुबह, जो कोई अननोन व्हीकल वाला इनको पीछे से टक्कर मार गया। पता नहीं कौन सा व्हीकल था, पता नहीं किसका। प्रदेश भर के मंडियों में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में भी सरसों की फसल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। वहीं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह की माने तो अभी तक जो भी किसान आए हैं, मेरी फसल मेरी ब्यौरा ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुआ है, जो अनरजिस्टर्ड किसान है वे अपनी फसल सरकार को नहीं बेच सकते, तो उनकी प्राइवेट है। जब कोई रजिस्टर्ड किसान आएगा तब उनकी फसल देखकर हैफेड एजेंसी वाले सैंपल लेकर खरीद निश्चित करेंगे। प्राइवेट की बात करें तो अभी तक 125 क्विंटल सरसों आ चुका है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से एमएसपी रेट 5,450 निर्धारित किया गया। देखिए अभी तक जो भी किसान आए हैं सारे अनरजिस्टर्ड किसान है, मेरी फसल मेरी वेरिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो अनरजिस्टर्ड किसान है वो सरकार को नहीं बेच सकते, तो उनकी तो प्राइवेट हुई है। जब कोई रजिस्टर्ड किसान आएगा तो उसकी फिर फसल को देखकर हैफेड वाले सैंपल करके फिर उसको खरीद सुनिश्चित करेंगे। तो अभी प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के अभी तक तो 125 क्विंटल के लगभग आ चुके हैं। झज्जर जिले के गांव ठलानवास में गेहूं के खेतों में किसान ने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। किसान काफी समय से घर से परेशान चल रहा था, जिसके चलते अपने खेत में पेड़ पर लटक कर किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
बहादुरगढ़ में प्राइवेट बस ऑपरेटर की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां बस ऑपरेटर ने हरियाणा रोडवेज की बस के शीशे तोड़ दिए और बस को भी जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, रोडवेज बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट भी की गई और रोडवेज बस के परिचालक का पैसे से भरा बैग भी छीन लिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रोडवेज बस के कांच तोड़े हैं और ड्राइवर कंडक्टर के साथ झगड़ा करना बयान हुआ था, जिस सूचना पर हम यहां मौके पर गांव मातल में पहुंचे हैं। अब ड्राइवर कंडक्टर ने कहा है कि स्टेटमेंट हम कुछ देर बाद देंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी उस पर शीघ्र कार्रवाई की। जी, हम बारोड़ से बेरी जा रहे थे सॉरी को लेकर। यहाँ मातल से निकलते ही संजय का छोरा, उनके भाई का और कम से कम 40-50 बच्चे और थे, 10-12 मोटरसाइकिल थी, 2-3 कार थी, एक ट्रैक्टर ट्रोली थी, उसमें आए और मेरा मारने लगे और बस के शीशे तोड़ दिए और बस को जलाना चाहा और मेरा कैश को ले गए। जी, क्या वजह है? कोई भी वजह नहीं थी जी, ये कह रहे थे कि इस रोड पे रोडवेज बसों को चलने नहीं देंगे, और कोई बात नहीं थी जी। इंद्री हल्के के गांव जोहाड़ा माजरा गांव के पुरातत्व महत्व के अवशेष मिलने से विभाग हरकत में आ गया है। इससे इतिहास का पन्ना खुलने की उम्मीद जगने लगी है। धरती के गर्भ से निकल रही प्राचीन ईंटें, खिलौने और श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की टीम ने साइट का दौरा किया और कहा कि बरामद सामान का अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर की कहावत अब पुरानी हो चुकी है। हरियाणा के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की परतें दिन ब दिन खड़ती जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश का इतिहास कितना प्राचीन है। जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसमें अभी तक जो अवशेष मिले हैं उससे मिला है कि ये राजपूत काल के कुछ अवशेष है, कुछ मृद भांड है, कुछ ईंटें मिली हैं जो सल्तनत काल तक गया है। कभी पूर्व में इससे पहले इस स्थान पर यमुना का प्रवाह रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे हिस्सों में रेत का जमाव है जो सिद्ध करता है ये कहीं यमुना का कुछ धारा यहाँ से बहती होगी। ये जो पुरातात्विक जो साइट है ये, हाँ सर, ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई कोई बहुत बड़ी पुरानी साइट है। और जब हम देखते हैं कि जो ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में ये बहुत सारा ये जो यमुना के नदी के पास में जो ऐसे स्थल थे जो कि ये व्यापार के एक रूट पे भी पड़ते थे, उस समय जो चीन से जो व्यापार होता था तो सिल्क रूट पे ये यमुना से होकर के भी जाता था, व्यापार होता था। अभी हमारे बुजुर्ग का अंदर यहाँ एक गांव था जी, पहले जो गर्क हो गया था किसी श्राप के कारण या किसी वजह से जी, तो यहाँ तभी मट्टी खोदा तो यहाँ हड्डियां मिला इंसानों की और ये डिफर वगैरह बर्तन मिट्टी वाले वो मिला जी, खिलौने जी ऐसी चीजें मिला जी। खबर बाड़ी से है जहां मुख्यमंत्री और उड़नदस्ता टीम ने मिठाई के गोदाम पर रेड मारी और वहीं जिले के सैनी मोहल्ला स्थित ज्वीट स्वीट हाउस पर रेड कर 1000 किलोग्राम दूध और 1 क्विंटल खोए समेत 4 मिठाइयों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर जांच में सैंपल फेल पाए गए तो संबंधित विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश की मंडियों में बुधवार से सरसों की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन भिवानी में सुबाई पोर्टल न चल पाने की वजह से सरसों की खरीद दोपहर तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके बाद खरीद शुरू हुई। सरकार ने सरसों की खरीद के लिए हैफेड को अधिकृत किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है। मेरी फसल मेरे ब्यूरो पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल को खरीद रही है। मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने बताया कि फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए कवर शेड, फसल की बोरियां रखने के लिए प्लेटफॉर्म और पानी की व्यवस्था की गई है। अरे कोई भी अरे लाला के बेचनी पड़ेगी यार, भाई सुन में कोई 4200 बोल रहे, कोई 4000 बोल रहे है। जो सरसों की लगभग होती है जो कितने परसेंट सेल है वो रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ से खवानी पड़ेगी, और इस सरकार ने खाली परेशानी कर देना है और कुछ भी। अभी सरसों का सीजन शुरू हो रहा है अभी जस्ट, तो इसके लिए हमने तैयारियां कर रखी हैं, अपनी मंडी में पूरी व्यवस्था हमारी चालू है। जैसे ही फार्मर अपनी कृषि जिन्स लेकर गेट पर आएगा, उसको गेट पर ही मौके पर गेट पास दे दिया जाएगा। गेट पास काटने के बाद वो अपनी जिस भी आड़ती को घेरना चाहेगा माल वहां पे घेर दिया जाएगा। बोली का निर्धारित समय है, वो निर्धारित समय के अनुसार खरीद एजेंसी का जो भी जिसकी ड्यूटी लगी है वो कर्मचारी आएगा और हमारा कर्मचारी जाएगा, मिलकर उनकी बोली पर माल खरीद लिया जाएगा। व्यवस्था हमारे यहाँ पर मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट की है, कवर्ड शेड है हमारे पास, पक्के प्लेटफार्म्स वगैरह हैं। हाँ के जी, जो सरकार से हमने सरकार से तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन हमारी उम्मीद तो टूटती जा रही, कि मैं तो भगवान पीछे पड़ लिया कि मैं सरकार नौ कर दिया है, भाव से फिरे जाओ के ग्रह नुकसान 70%, गवर्नमेंट ऊपर तो बोल रही है दे तो 10% नहीं मिल रही। बता दें कि सिस्टम में खराबी के चलते देरी से खरीद शुरू हुई, और जिसके बाद आपको बता दें कि दोपहर में खरीद शुरू हुई और किसानों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। अम्बाला दिल्ली हाईवे पर स्थित अनाज मंडी में सरसों की आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरसों की फसल मंडी में पहले से ही आ चुकी है खरीद के लिए, इसलिए किसान आढ़तियों को ही अपनी फसल बेचकर जा चुके हैं। हालांकि आढ़तियों ने सरकारी खरीद के मामलों पर खरीदी की है, और लेकिन मंडी सचिवों की अगर माने तो किसान कम रेट पर बेचकर इसीलिए भी चले गए क्योंकि उनका नाम मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल में दर्ज नहीं था। पाँच हजार क्विंटल की अराइवल हो चुकी है, जो कि जिसमें से 4892 क्विंटल की खरीद हो चुकी है जो कि प्राइवेट हुई है, और सरकारी खरीद आज से शुरू है, पर अम्बाला के में परचेज सेंटर नहीं बना है, और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहजादपुर में इसका सेंटर बना है। जिस किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर है, वह अपनी फसल सरकार को शहजादपुर में बेच सकता है उसी फ्री।